भाई पुकुट हो गया। जब व्लॉग स्टार्ट किया ना तब ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार, क्योंकि आपको दिख रहा होगा भाई वीडियो तो चल रहा है लेकिन ऑडियो चल रहा ही नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह सुबह के अभी 9 बज चुके हैं एंड फिलहाल फ्रेश अप वगैरह सब कुछ हो गए हैं एंड अभी चलते हैं फटाफट से मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि फिर हमें दुकान भी जाना है ना आज। एक्चुअली मैं नहीं, पापा जी रहेंगे घर पे एंड हम दुकान पे जाएंगे, क्योंकि पापा जी को काम करा रहे हैं ना, तो मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं। तो थोड़े से मस्त भटका ले लिया एंड मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं एंड यार आज तो पूरे बाल हमें ऐसे ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि मम्मी जी सारे के सारे जो भी कॉम्ब हैं भाई धोने के लिए डाल दे, एक भी कॉम्ब नहीं रखा भाई, सारे के सारे कॉम्ब डाल दिए धोने के लिए, तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर चलते हैं। फास्ट हो चुका है कम्प्लीट एंड अभी निकलते हैं। बाय मम्मी एंड बाय दीदी, चलो चलो पापा जी, मैं भी निकलता हूँ दुकान के लिए एंड लेकिन मुझे पहले गाड़ी की चाबी दे दो फिर चलता हूँ भाई। जो भी रेती वगैरह हैं इन सबको ऊपर चढ़ानी है एंड लेबर अंकल चढ़ा लेंगे। बाय पापा। जो भी हमारे पीछे दिख रही है भाई बहुत सारी रेती है, इन सारी रेती के ऊपर चढ़ानी है, कोई नहीं लेबर अंकल चढ़ा लेंगे एंड भी हम निकलते हैं दुकान के लिए मस्त एक्टिवा लेके चलते हैं। डॉगी यहाँ पे खुजाने में लगा सो है। तो फिलहाल अभी दुकान पे आ गए एंड हम मस्त अपनी काउंटर वाली सीट ले ली, भैया तो मस्त अपने पीछे जाके बैठ गए, जो भी रोज जहाँ पे भैया बैठते वहाँ पे बैठ गए एंड आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू डू कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को कैसे संभालते हैं। तो भाई इसका भी एक टैलेंट है यार, जो कि हर किसी के पास नहीं पाया जाता। सबका अलग अलग तरीका होता है भाई कस्टमर्स को समझाने का, कस्टमर्स को पटाने का या फिर कस्टमर्स को इम्प्रेस करने का, ताकि भाई जो भी सामान उनको चाहिए वो इधर से लें एंड नेक्स्ट टाइम भी उनको जो भी सामान चाहिए रहता है यही से आके लें। जैसे कि जो भी कस्टमर आते हैं भाई, जो भी वो पूछे ना कि भाई इसके बारे में बताओ या फिर ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे अभी कैसे समझाओ यार आपको, हाँ कैसे जो भी उसका प्रोसेस जो भी पूछे ना, वो अगर हम उनको सही से बता पाए ना तो नेक्स्ट टाइम भी कस्टमर यहीं पे आता है एंड रीजनेबल रेट तो सब लोग लगाते ही है यार, बस बात करनी अच्छी आनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम भी वापस से कस्टमर यहीं पे आएगा, तो इसलिए हम तो बस सही से ही बात करते हैं यार। लेकिन फिर भी कोई भी एक ऐसा कस्टमर आ ही जाता है कि भाई हमारा पूरा दिमाग ख़राब कर देता है, यानी सामान पूछते रहता है, खरीदता नहीं है कि भाई ये बताओ वो बताओ ये बताओ वो बताओ, और आखिर में जाके बोलता है भाई हमें नहीं चाहिए, उनमें तो भाई उसमें है ना बहुत ही दिमाग ख़राब होता है हमारा, तो तब तो भाई गुस्सा आ ही जाता है, क्या कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बस प्यार से बात करते हैं, जो भी कस्टमर आए उनको सही से बात करके सामान देके भिजा देते हैं, बस कोई भी एक ऐसा कस्टमर आ गया तो फिर दिमाग ख़राब होना पक्का है यार, दुकान में ऐसा ही है। कभी कभार नहीं, साल में कुछ 10 से 15 कस्टमर ऐसे आ ही जाते हैं, 100% आ ही जाते हैं 10 से 15 कस्टमर एंड कभी कभार ज़्यादा भी आ जाते हैं, काउंटिंग करने के लिए थोड़ा ना बैठते यार, कस्टमर में काउंट ना किया जाता है। एंड अभी थोड़ी देर में घर पर भी चले जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम 11:58 हो चुका है, तो देखते हैं पापा जी का कॉल कब तक आता है, जैसे आएगा फिर जाएंगे भैया का टिफिन लेके आएंगे एंड काम वगैरह भी देखेंगे, अब तक तो काम स्टार्ट भी हो गया होगा, क्योंकि वो मिट्टी भी लेके जाना है एंड वहाँ पे जो फ्लोर चल रहा है फ्लोरिंग का भी काम हो रहा है, तो घर पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको क्या काम हो रहा है। तो पहले तो देखते हैं पापा जी का कॉल कब तक आता है। चलो तो अभी पापा का कॉल आ ही गया, लेकिन हमें जाते वक्त बहुत ही संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 100 kg का सामान लेके जाना है एक्टिवा के ऊपर, जो कि भैया भी बाहर निकाल रहे हैं एंड फिर लेके चलते हैं, पहले एक्टिवा को हम यहाँ से वहाँ पर लेके चलते हैं एंड फिर वो सामान लोड करना पड़ेगा। तो मैंने एंड भैया ने मिलके पहले सामान तो लगा दिया, जो कि 2 सीमेंट बैग है यार, एक बैग 50 kg हुए यानी 2 बैग मिला के 100 kg तो हुए ना, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 100 kg का सामान लेके जाना है। चलो कोई नहीं भाई, पूरे सीट के ऊपर सीमेंट लग गया, कितना उड़ रहा है यार। चलो अभी चलते हैं घर की ओर। अभी घर पे आ गए एंड भाई ऊपर से आ गया डॉगी भी, पहले घर के पास जाएगा। चलो कोई नहीं, सीमेंट को उतार देते हैं यहीं पे, बहुत ही टाइट है, निकल जा यार, धक्का देना पड़ेगा गाड़ी ना गिर जाए, गिर जा। चलो निकल गया, ये तो आराम से निकल जाएगा। चलो लेबर अंकल ने मदद कर दी एंड इसको भी नीचे गिरा देते, चलो हो गया। तो पहले तो थोड़ी बहुत गाड़ी को धो देते, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। तो गाड़ी को वापस बाहर रख देते यार, डॉगी हट जा, लग जाएगी भाई, ये तो हट ही नहीं रहा, चलो ये तो अंदर जाएगा,
तो गाड़ी को बाहर रखते हैं अभी, तो गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दी। एंड भाई ये पानी तो दो मिनट में पूरा सूख जाएगा। तो अभी हमारे पीछे पीछे डॉगी भी बाहर आ गए, दोनों डॉग बाहर आ गए यार। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं घर में एंड मस्त लंच करते हैं। भाई इतनी कड़क धूप है ना, वो जो पानी है गाड़ी के ऊपर डाला था दो मिनट में सूख जाएगा वापस है, जब एक पानी का बूंद भी नहीं दिखेगा। वापस आके देखते हैं, बिल्कुल नहीं दिखेगा यार। एंड भी हाथ भी खराब हो चुके हमारे, इसको घर पे जाके धोते हैं, पूरा सीमेंट में हो गया। भाई बहुत ही तगड़ा वाला गर्म पानी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत अभी फेस वॉश कर लिया, बस अच्छा लग रहा है अभी। तो मम्मी तो मस्त अपना फोन देखते हुए क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे आप? मम्मी जी भी हेल्प करा रहे थे कितने पापा जी की। क्या पत्थर का काम चल रहा है अंदर अभी? अच्छा कोई नहीं, जाते वक्त देख लेंगे। तो अभी लगा रहे क्या पत्थर? लगा रहे अंदर। अच्छा देखते हो जाते वक्त, पहले तो अभी लंच करें। हाँ चलो आप नहीं खाते हैं, चलो पापा जी के साथ खाएंगे ना। कोई नहीं हम तो करते हैं, क्योंकि भैया के लिए भी टिफिन लेके जाना है ना। क्या बनाया दीदी आज आपने? रोटी और सब्जी। कौन सी सब्जी? भिंडी और तुराई, तोड़ी तुराई। चलो कोई नहीं, सो सब्जी तो ले ली एंड मस्त घी वाली रोटी भी है जो कि यहाँ पे, तो दो रोटी ले लेते हैं अपने लिए, चलो काफ़ी है। तो अभी करते हैं लंच। सो भी लंच होकर हो चुका है एंड भाई फ़ोन में चार्जिंग जस्ट 5% ही बचा है, तो हमें अभी चार्जर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अभी घर पे रह नहीं सकते ना भैया, के टिफिन भी लेके जाना है, हमारा लंच हो चुका है। तो चार्जर भी ले लेते हैं एंड भी सीधे दुकान पे चलते हैं। नहीं पहले एक बार काम देखते हैं भाई क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे काम हो रहा है जो कि पत्थर का काम चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है। एंड ये रेती यहाँ पे लाई, यहाँ पे एंड यहाँ पे गिराई। सो चलो कोई नहीं काम चल जाएगा शाम तक, तो मेरे ख्याल से ये लाइन कंप्लीट होगा, सिर्फ देखा जाएगा जितना भी होगा। सो अभी चलते हैं हम दुकान। हाँ ओके वहाँ बाय। तो एक्चुअली पापा जी कह रहे हैं काम का है पापा जी ने, तो दुकान पर जाकर करना पड़ेगा, तो काम आपको बोल नहीं सकता पर्सनल है ना। चलो कोई नहीं फिलहाल अभी दुकान में चलते हैं। यार आज तो इतनी सारी गाय एक जगह पे दिख गई, इसलिए मैंने सभी को एक 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 रोटी दे दी। चलो कोई नहीं सभी को रोटी दे दी है भाई, बहुत ही ट्रैफिक हो रहा है फिलहाल, यहाँ से निकलते हैं भाई बहुत ही ट्रैफिक हो रहा है। चलो दुकान पर आ गए भाई, वहाँ पर लिटरली इतना ट्रैफिक हो गया था ना पूछो मत यार। मैंने बस गाय की रोटी बाहर निकाली एंड सारे गाय भाई मेरे ऊपर अटैक कर दिया गाय की रोटी खाने के लिए, अपनी रोटी खाने के लिए। चलो कोई नहीं ट्रैफिक से बच निकल कर आगे भाई। चलो कोई नहीं अभी भैया अभी खाना खा लेंगे। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं एंड अभी मैंने ड्राइविंग भैया को कॉल किया था, यानी अपने क्या नाम है यार, श्रीनिवास भैया को कॉल किया था। बहुत ही लंबा नाम है ना, इसलिए भूलने का नहीं, कभी कभार अटक जाता है यार नाम में। तो उनको ही कॉल किया था मैंने एंड उन्होंने कहा कि आज ड्राइविंग स्कूल 4 बजे नहीं, आज हमें 5:15 को लेके जाएंगे। सो अभी जस्ट 4:20 हुआ है एंड हमें घर पे और सीमेंट बैग लेके जाना है। जब भी घर पे जा रहा हूँ दो दो सीमेंट बैग लेके जा रहा हूँ, पहले सुबह मैंने 3 बैग लेके गया एंड फिर दोपहर को 2 बैग एंड अभी वापस से 2 बैग। चलो कोई नहीं, एक बैग मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है और एक बैग अभी निकालते हैं। भैया हम शाम को बाहर झाड़ू निकालते हुए हैं। अभी हम चलते हैं घर पे, जो सीमेंट तो लग चुके हैं अपने एक्टिवा के ऊपर। फिलहाल भी घर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे आधा पत्थरों को काम स्टार्ट किया भाई, आधा खत्म हो चुका है जो कि लेफ्ट लेफ्ट साइड में पूरा काम हो गया, लेकिन अभी भी इसके ऊपर चल नहीं सकते। ऊपर पैर रखेंगे ना तो जॉइंट में से हिल जाएगा एंड गैप बन जाएगी फिर जॉइंट में। एंड अंकल फिलहाल वहाँ आगे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। अभी यहाँ से ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा कंप्लीट करेंगे एंड ये पत्थर सारे वापस तोड़ने पड़ेंगे कॉर्नर्स में से, पता नहीं ये वाले पत्थर खाली वो इस्तेमाल होंगे। चलो कोई नहीं पापा जी देख लेंगे। हम पहले बाहर रखते हैं एक्टिवा को, सीधा अंदर लेके आ गया था ना सीमेंट के लिए, तो अभी तक बाहर नहीं लगाया मैंने, तो पहले तो गाड़ी को बाहर लगाते। फिलहाल
गाड़ी को बाहर पार्क कर दी एंड अभी चलते हैं घर पे, थोड़ा बहुत फ्रेशअप हो जाते यार, क्योंकि फिर ट्रेन पे आ जाएंगे तो भाई मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। एंड मम्मी जी मस्त अपना चावल क्या कर रहे हैं मम्मी? पता नहीं पापा जी किसी से बात कर रहे हैं, कोई रिलेटिव होंगे पता नहीं मुझे भी। आप क्या ढूंढ रहे हो चावल के अंदर? कचरा। भाई कितने सारे, ये देखो यहाँ पे क्या घूम रहे हैं मम्मी, देखो देखो सांप घूम रहा है छोटा सा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो छोटा सा सांप घूम रहा है और इसको जितना जूम करेंगे वो इतना बड़ा सांप दिखेगा। तो भाई भाई यहाँ पे यार ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है, इसे दूर हो जाते यार। बाय पापा। सो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं एंड भैया अब जाके आ रहे हैं, अभी जाके भैया का कॉल आया एंड उनके आप बाहर आ जाओ, तो अभी करते हैं भैया की वेटिंग। लो भैया आ भी गए, तो अभी चलते हैं। अभी हमारी बारी है, हम भी सीखेंगे आज। तो फिलहाल अभी हमारी ड्राइविंग क्लास खत्म हो चुकी है, बस नॉर्मल से 8 बनाना था हमें एंड वो बन चुका है हमसे, तो यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। तो मैं आज भी अपने ड्राइविंग स्कूल के बाद बाहर ही छोड़ दिया, तो अभी आज मत चल जाते चलते हैं। तो फिलहाल अभी अपने शूज पहनते हैं, तो अभी हम अपने शूज पहन लिए एंड अभी चलते हैं दुकान की ओर। दीदी तो स्वाति दीदी के साथ आ जाएंगे कितने, चलो कोई नहीं, तब तक हम चलते 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 हैं दीदी को एंड स्वाति दीदी को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी कितने, जो भी दी स्वाति दीदी शायद गाँव जाने वाली है तो उनके लिए लगेज बैग खरीदना है कितने। दीदी भाई बहुत ही जोर से हॉर्न बजा इसलिए कुछ बोल नहीं पाया, तो स्वाति दीदी एंड दीदी जाके खरीद के आ जाएंगे। हम फिलहाल दुकान पे चलते हैं एंड जिम क्लास ज्वाइन करते हैं, भाई बहुत दिन हो गए जिम गए। तो फिलहाल अभी जिम क्लास के अंदर आ गए हैं, लेकिन भाई यहाँ पे तो बहुत ही शोर चल रहा है, ये म्यूजिक चलता है ना यहाँ पे 24 आवर्स म्यूजिक चलते रहता है। चलो कोई नहीं, आज का हमें बस ये एक ही वर्कआउट करना है, क्योंकि 4-5 दिन हमने गैप ले लिया ना, तो आज दूसरा कोई वर्कआउट नहीं, ओनली बस अपना कार्डियो एंड क्रॉसफिट। तो क्रॉसफिट बाद में करेंगे, पहले अपना मस्त कार्डियो करते हैं। जिम क्लास खत्म हुआ, बहुत दिनों के बाद में आज हमारा पहला जिम क्लास था जो कि खत्म हो चुका है एंड आज सिंपल वर्कआउट किया, जो भी मिशनरी था बस कार्डियो, ओनली कार्डियो किया आज, लेकिन उससे भी भाई बहुत ही पसीना बह गया, पूरा टी शर्ट बह गया, यानी पूरा टी शर्ट भीग गया। चलो कोई नहीं, फिलहाल बस वॉकिंग करते करते घर पर चलते हैं। तो स्वाति दीदी भी हमारे साथ में ही थी जिम के अंदर, दीदी के साथ आ गई थी। चलो कोई नहीं, दीदी का भी वर्कआउट खत्म हो चुका है एंड बस चलते चलते अभी घर पर चलते हैं। अभी घर पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे दरवाजा लगे था, एक्चुअली मम्मी जी अकेली थी ना इसलिए मस्त पड़ोसियों के पास बैठ के मम्मी जी मस्त अपने कपड़े मार रही है। चलो कोई नहीं, तब तक हम भी फटाफट से फ्रेश अप हो जाते हैं एंड बहुत ही प्यास भी लगी है, तो पहले पानी पियेंगे एंड फिर पानी से नहा के आते हैं। रात के 11 बज चुके हैं जो कि आपको फ़ोन के अंदर दिख रहा होगा एंड भाई अभी रात में बोर्ड हो गया, एक्चुअली मैं अपने फ़ोन में एडिटिंग कर रहा था, फिलहाल मैं अभी दीदी का कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी दीदी के फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो भाई एडिटिंग कर रहा था अपने फ़ोन में एंड भाई पोकट हो गया, जब व्लॉग स्टार्ट किया ना तब ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार, क्योंकि आपको दिख रहा होगा भाई वीडियो तो चल रहा है लेकिन ऑडियो चल रहा ही नहीं है यार, यहाँ पे बहुत ही बड़ा पोकट हो चुका है। पहले कुछ 2-3 मिनट भाई ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं कैसे अभी। चलो कोई नहीं, इसको एडिटिंग करने में बहुत ही टाइम लगने वाला है, तो अभी फ़िलहाल एडिटिंग ही कर रहा हूँ एंड यहाँ पे तो सब लोग सो चुके हैं भैया। भाई अभी तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल नीचे गिर जाती, एक्चुअली मैंने ना थोड़ी बहुत टाइम पास करने के लिए मस्त कोल्ड ड्रिंक भी बाहर ला ली, सो कोल्ड ड्रिंक मस्त पीते पीते एटिंग और सब कुछ कर लेंगे बोल के। चलो कोई नहीं, फिलहाल भी फटाफट से एटिंग करते हैं क्योंकि सब लोग सो चुके हैं, खाली बस में अकेले ही जग रहो भाई। चलो कोई नहीं, अब फटाफट से एटिंग और सब कुछ कंप्लीट करते हैं एंड फिर मस्त हो जाते हैं, अभी ब्लॉग को भी एंड करते हैं क्योंकि यार रात के बहुत ही 11 बजने को आ गए एंड एटिंग करते करते मेरे ख्याल से 1 बज जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत ही टफ होने वाली है नेटिंग। सो पहली बार मुझे ऐसा प्रॉब्लम आया अपने फ़ोन में, पता नहीं कैसे आ गया भाई, कभी कभी तो वीडियो स्ट्रक हो जा रहा है, तो ये बहुत ही तगड़ा वाला प्रॉब्लम आ गया यार।
चलो कोई नहीं, एडिटिंग करनी है कर लेंगे पूरी रात बैठ के, एंड सुबह भी जाना है हमें बाहर जो कि 10 बजे जाना है। सो 10 बजे अपना ब्लॉग भी आएगा एंड हमें बाहर भी जाना है तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे एंड अभी के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं। बस कोल्ड ड्रिंक पीते पीते भाई एडिटिंग वगैरह करूँगा एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर में दोस्तों से आपके मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट शॉप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।